गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो में फर्स्ट वर्ड है फंड। फंड किसे कहते हैं? कैश और कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो सब क्या कहलाएंगे? फंड कहलाएंगे। देन आफ्टर आता है फ्लो। फ्लो जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो को शो किया जाता है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट इन दोनों को एक स्टेटमेंट में शो करते हैं। फंड फ्लो में नॉर्मली जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो है फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर कवर होता है आपके स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इन तीनों को प्रिपेयर किस तरीके से करना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट होता है इन तीनों का। वो फॉर्मेट अपने को अगर ध्यान में रहेगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल किस तरीके से आएगा? ये अपने को कॉलम बनाने, यहां पे आएगा प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल को शो करेंगे दो कॉलम, और ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डेटा को शो करेंगे। करंट एसेट्स, देखो वर्किंग कैपिटल कैसा आता है नॉर्मली, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो अपने को भी यहां पर वही करना है। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी लेस करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है? करंट एसेट्स लिखेंगे जैसे स्टॉक, डेटर और कैश। स्टॉक, डेटर और कैश, ये क्या आएगी? करंट एसेट्स आएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट एसेट्स जैसे स्टॉक है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर स्टॉक इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। जैसे अपन कह सकते हैं पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव नेचर, स्टॉक जैसे सपोज 10,000 था 15,000 हो गया तो इंक्रीज हुआ, तो 5,000 वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से डेटर, इसी तरीके से कैश, ये करंट एसेट्स के लिए। देन आफ्टर टोटल लगानी है। करंट एसेट्स के बाद में शो करना है आपको करंट लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल। जिस तरीके से करंट एसेट्स में पॉजिटिव नेचर था उसी तरीके से रिवर्स चले अपन तो करंट लाइबिलिटी में नेगेटिव नेचर है। नेगेटिव नेचर कैसे? क्रेडिटर सपोज 10,000 से 15,000 हो गए, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर के बढ़ने से, करंट लाइबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये नेचर अपने को चलना है, 10,000 से 15,000 करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये सारा वर्क करने के बाद में अपने को टोटल लगानी है, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे टोटल लगानी है, पता चलेगा कौन कितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसा आएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी लेस करेंगे, यहाँ पे डेटा आएगा। फिर इंक्रीज डिक्रीज ऐड लेस करना है, अगर ऐड होता है इंक्रीज होता है तो प्रीवियस ईयर में ऐड कर देंगे, डिक्रीज होता है तो प्रीवियस ईयर में लेस कर देंगे, और आप इस तरीके से वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्रिपेयर कर लोगे। अपने को आगे
इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू की जरूरत होती है, इसलिए अपने को वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट शो करना जरूरी है। अब ये तो फर्स्ट था, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है अपना? सेकंड स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे ही कह सकते हो आप एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। इसके लिए आप क्या बना दोगे? पीएनएल बना दोगे। जी हाँ, पीएनएल, पीएनएल बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपने बहुत बार पहले भी बनाया हुआ होगा। बाय साइड में इसका बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस बीडी, टू साइड में इसका बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी डेप्रिसिएशन लगा है, इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल अगर राइट ऑफ हुई है, जनरल रिजर्व अगर आपने क्रिएट किया है, फिक्स्ड एसेट्स पे अगर प्रॉफिट या लॉस आएगा, फिक्स्ड एसेट्स पे अगर लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉस हुआ है, प्रीमियम अगर प्रीमियम शेयर इश्यू करने से रिलेटेड कोई भी लॉस हुआ है तो वो इधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा आपके पास। मतलब नॉर्मल पी एंड एल का फॉर्मेट है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ होगा, इसलिए आपके पास में बाय एफ एफ ओ बैलेंसिंग फिगर से फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों साइड में से किधर भी आ सकता है, लेकिन ये मोस्टली इधर ही आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट साइड में। ये क्रिएट करने के बाद में थर्ड स्टेटमेंट बनाओगे आप, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो चीजें सबसे पहले इसमें लिख देनी है अपने को, दो चीजें, एक तो एफएफओ और एक वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है तो इधर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और इंक्रीज हुई है तो इधर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इंक्रीज लिखने के बाद में, ये दो अमाउंट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये है सोर्सेस साइड और ये है यूजेस या एप्लीकेशन साइड। सोर्सेस मतलब पैसा किधर से आ रहा है, अगर फिक्स एसेट्स या फिक्स लाइबिलिटी से कहीं से भी पैसा आता है, फिक्स एसेट्स फिक्स लाइबिलिटी से पैसा आता है तो सोर्सेज में आएगा, लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा तो यहाँ आएगा, फिर फिक्स लाइबिलिटी से इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, लोन टेकन, इनसे पैसा आ सकता है तो इधर आ जाएगा। देन फिर शो करना है आपको, पैसा अगर फिक्स्ड एसेट्स फिक्स लाइबिलिटी से पैसा अगर जाएगा, अमाउंट अगर जाएगा तो इधर आएगा, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर से रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। फिर दो चीजें, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। अगर इसे नॉन करंट माना गया है, इन दोनों को अगर नॉन करंट माना गया है तो टैक्स पेड और डिविडेंड पेड यहां पे शो कर दिया जाएगा। जैसे बैलेंस शीट की टोटल मैच होती है, वैसे सोर्सेज और यूजर्स की भी टोटल मैच होनी चाहिए। अगर ये आपने तीन स्टेटमेंट बना दिए, कौन कौन से, फर्स्ट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड एडजस्टेड पीएनएल, और थर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर ये तीन स्टेटमेंट बना लिए और इसमें फिक्स एसेट्स के वर्किंग नोट होते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स का कौन बनाना होता है जिससे पता चलता है सेल या परचेज, अगर वो बना लिए तो आपके 20 नंबर टोटल इसमें आते हैं। पिछले 5 सालों में बहुत बार ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि फंड फ्लो में अगर कुछ भी समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको फॉर्मेट तो एटलीस्ट क्रिएट करने हैं। फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन में से डेटा यूज लो, यहाँ पे रखो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है।